चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या पूछ रहा है पहले ये समझने की कोशिश कीजिए। इसमें पूछा है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटीज। इसमें वो एक्स का इंटरवल नहीं पूछना चाहता है, एक्स का इंटरवल नहीं पूछना चाहता इस क्वेश्चन में। वो ये जानना चाहता है एक्स का क्या पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू मतलब समझ रहे हो, एक्स का वैल्यू जो है अगर इंटीजर में ले रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 ये सब में कौन कौन होगा, और उसकी भी संख्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। मतलब अगर एक्स का वैल्यू मान लो इसको सेटिस्फाइड 2 किया 3 किया और 5 किया तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 को वैल्यू सेटिस्फाइड किया है। अगर मान लो 2 को केवल किया सेटिस्फाइड तो हम केवल आंसर में 2 ऑप्शन पे टिक मारेंगे। ये ऑप्शन भी देख के समझ में आना चाहिए। कुछ लोग तो ये समझेंगे कि 0 एक्स का आंसर पूछ रहा है होगा कि नहीं होगा, 1 एक्स का आंसर है कि नहीं होगा, क्या ऐसा पूछ रहा है, समझ रहे बात को हम क्या कह रहे हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, जो एक्स का पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है, इसका जो सॉल्यूशन कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है इस इनइक्वालिटीज को, उसकी संख्या बतानी है कि कितना होगा। तो जरा बताओ क्या इसको ऑप्शन से चेक किया जा सकता है कि इसको बनाना पड़ेगा। ऑप्शन से चेक किया जा सकता है कि कै गो सेटिस्फाइड कर रहा है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो बेटा जो जो स्टूडेंट ऑप्शन से टिक करके आ रहा है वो, इसको तो बनाना पड़ेगा उसे, तब ना देखेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। बनाने में डरना नहीं है। सबसे पहले ये कंफर्म हो लो कि क्या कोई भी टर्म पूरी तरह से पॉजिटिव है, नहीं है। कहोगे कि सर को कहोगे कि ये वाला पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे कि पावर 2014 देख के ये मत सोचो कि पॉजिटिव है, 0 भी हो सकता है। एक्स बराबर -8 पे ये एक्स बराबर 0 पे 0 हो सकता है, बाकी एक्स के लिए सब पॉजिटिव है। तो ये भी -9 अगर रख दो तो -9 प्लस 9 0 हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो ये पूरी तरह से कोई भी पॉजिटिव नहीं है। दूसरी बात, पॉजिटिव रहता तो बराबर को उधर भेज देते, अभी नहीं भेज सकते हैं। दूसरी बात क्या ध्यान देना होता है कि आरचेस 0 होना चाहिए, वो है। एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, है। अगर मान लो एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं होगा तो क्या करेंगे, याद है ना बताए थे। हाँ, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए तो सबसे पहले ये बताओ कि सबसे छोटा रूट कौन है। यहाँ से तो -8 आएगा, यहाँ से -3 आएगा, यहाँ से -9 आएगा। सबसे छोटा रूट -9 है, फिर आपका सबसे उसके बाद है -8, उसके बाद आपका है आपका -3, फिर आपका है -1, उसके बाद कौन है, 0 2 4 6, समझ में आ रहा है, 0 2 4 6, क्योंकि नंबर लाइन पे हम जानते हैं कि ऑर्डरिंग जो होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। हम कभी भी कोई भी ये 0 को इधर थोड़ी लिखा जा सकता है, 2 को इधर थोड़ी लिखा जा सकता है, ये बात तो हमको पहले से पता है। अब जरा बताओ क्रॉस पॉइंट कहाँ कहाँ दें, -8 पे और कहाँ से आ रहा है, एक्स बराबर 0 पे और एक है हमारा -9 पे, इसके अलावा कहीं नहीं होगा, क्योंकि पावर 3 है ऑड है, पावर 5 है ऑड है, पावर 1 है ऑड है, पावर 1 है ऑड है, समझ में आया बात। उसके बाद शुरुआत तो हमको जानते ही है कि प्लस से होगी, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, बोलो सही है। अब यहाँ क्रॉस बोल दिया, मत बदलो, नीचे से जाएंगे, माइनस बदलेंगे, प्लस होगा फिर बदलेंगे, फिर क्या बोलेगा, नहीं नहीं बदलो क्योंकि क्रॉस है, नीचे से जाएंगे,
फिर बोलो क्रॉस है, फिर नीचे से जाएंगे। समझ में आ रहा है? सॉल्व किसके लिए करना था? लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब ये आंसर होगा। पहले एक एक और बात, एक और बात, इक्वल टू जीरो है ना मेरे आंसर में, तो आंसर कौन कौन नहीं होगा उस और कौन कौन होगा? एक्स बराबर चार आंसर में आएगा ना, तो चार पे क्लोज करो। फिर बताओ एक्स बराबर -8 आएगा ना, एक और क्लिक करो -1। ये भी ऑप्शन से बन जाता है यार, क्योंकि मैक्सिमम रूट 3 दिया है, नंबर ऑफ रूट्स की संख्या है। यहाँ पे डायरेक्ट तुम्हें 3 गो नज़र आया नहीं है, 1 2 3। अब 3 से ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है, अब 3 से कम ही है, तो 3 तो साफ दिखाई दे रहा है कि ऊपर से आ रहा है, इसमें संकोचे नहीं है। हलवा बना दिए क्वेश्चन को हम लोग बिना बनाए हुए सॉल्व। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बढ़िया है, कॉन्सेप्ट बढ़िया है, सीखते हैं उससे भी सीखते हैं। और कौन कौन नहीं होगा? एक्स बराबर जीरो आंसर में नहीं आएगा, उसमें ओपन करते हैं। दो पे नहीं होगा, दो पे ओपन करते हैं। फिर आपका -3 नहीं होगा, ओपन करते हैं। फिर 6 पे ओपन करते हैं, समझ रहे हो, और -9 पे ओपन करते हैं। अब ये पहले कर लो कि हमको लेस देन के लिए सॉल्व करना है, तो नीचे वाला होगा आंसर सारा, समझ रहे हो। ये नहीं होगा, ये ऊपर चला गया ना, ये होगा, फिर ये होगा, फिर यहाँ ये होगा नीचे वाला, समझ रहे हो। अब इसमें आंसर अगर लिखना चाहते हो, लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है लिखने की भी। सबसे पहले ये बताओ कि -9 और -8 के बीच में कै गो इंटीजर आता है? एको नहीं, -9 और -8 लगातार है इंटीजर ना है, तो इसके बीच में नहीं आएगा। तो एको इंटीजर हमको मिला 8 पे, ये 1 हुआ, एक आंसर हमारा 8 आया। फिर यहाँ पे -8 और -3 के बीच में इंटीजर की संख्या है कि नहीं है? है ना, -5 भी है, -7 भी है, -6 भी है, -5 भी है, और -4 भी है। -3 तो होगा नहीं, समझ रहे बात को। और फिर आ जाओ -3 और -1 के बीच में तो लेंगे नहीं, क्योंकि नेगेटिव के लिए लेना था, तो नेगेटिव के लिए जो पोर्शन हमारा नीचे दिखाई दे रहा है वही आंसर में होगा। तो यहाँ से यहाँ पे देखना होगा, तो -1 आंसर में होगा। फिर बताओ -1 के बाद -1 और 0 के बीच में तो कोई इंटीजर होता नहीं है, फिर 0 और 2 के बीच में एक इंटीजर होता है, 1 होता है ना, 0 1 2, 2 आंसर में होगा नहीं। और ये नीचे में है, नीचे में 4 और 6 के बीच में 5 आता है कि नहीं आता है? आ 4 भी आंसर में क्लोज किए हुए होगा, तो 4 के बाद 1 हमारा हो जाएगा कितना, बोलो 5 हो जाएगा, और 6 पे होगा नहीं। तो इसका जो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल का सॉल्यूशन है उसकी संख्या है। अच्छा एक एक और बात, एक और बात, यहाँ पे वर्ड बहुत मस्त यूज किया है, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, क्या नेगेटिव वाला लेंगे? मजेदार क्वेश्चन बना दिया है यार। अच्छा यहाँ -8 होगा, तो ये भी नहीं होगा, हो गया ना 3 गो, बढ़िया है। लेकिन दिक्कत हो, हमारे 3 तो सीधा दिखाई दे रहा था, 3 से कम नहीं ना दिखाई दे रहा था, ये तो पक्की बात है ना, 3 से कम तो नहीं ना दिखाई दे रहा था ऑप्शन, तो हमारा वो भी तरीका सही है कि हम 3 मार के आगे बढ़ जाए, क्योंकि 3 को तो सीधा न्यूमरेटर से दिख रहा था। समझ में आ रहा है बात? ये वर्ड को पकड़ोगे नहीं जल्दी जल्दी में, एग्जाम में यही होता है कि जल्दी जल्दी में लोग पकड़ता बनाता जाता है। और आंसर में अगर इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक ऑप्शन में अगर 9 लिख दे, तो 9 पे टिक हो जाएगा, ये वर्ड पकड़ना जरूरी था ना, पॉजिटिव इंटीग्रल, क्योंकि इंटीजर में भी वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए।
बढ़िया क्वेश्चन था, बन गया, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। इसको हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि इसका आरसीएस जीरो नहीं है, इसका आरसीएस जीरो नहीं है, इसको ध्यान देने की बात है, ठीक है। तो इसको बनाइएगा होमवर्क में।